नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। भारत में एथलेटिक्स का इतिहास लिखा जाए तो उसका पहला सफा मिल्खा सिंह की बातों से ही भरा होगा। फ्लाइंग सिख कहलाने वाले मिल्खा सिंह पहले भारतीय धावक थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और इतना ही नहीं, मिल्खा सिंह ने ओलंपिक्स में भी तीन बार यानी 1956, 1960 और 1964 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फ्लाइंग सिख ने रोम में 1960 में हुए ओलंपिक्स में 45.73 सेकंड में रेस खत्म कर चौथा स्थान हासिल किया था और उनका यह रिकॉर्ड अगले 40 साल तक यूं ही बरकरार रहा। फ्लाइंग सिख के बारे में बहुत सी कहानियां कही और लिखी जाती रही हैं, लेकिन यह जानना बेहद रोचक होगा कि आखिर उन्हें यह नाम किसने और कब दिया था। दरअसल 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में हुए इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन में शिरकत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह बंटवारे के वक्त मिले जख्मों को कतई नहीं भुला पाए थे। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को समझाया कि पड़ोसी देश के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखना बेहद जरूरी है और मुझे लगता है कि आपको वहां जाना चाहिए। बस फिर क्या था, मिल्खा सिंह पाकिस्तान चले गए जहां उनका मुकाबला जाने माने पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल खालिक से हुआ। कॉम्पिटिशन में मिल्खा ने अब्दुल को खासे अंतर से हराकर इतिहास रच दिया और मिल्खा की जीत के वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान वहीं मौजूद थे जिन्होंने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दे डाली। अब्दुल खालिक पर मिल्खा सिंह की जीत के बाद अयूब खान ने कहा था, बेटा आज तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं। बस इसके बाद से ही मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। आपको बता दें कि जब कभी मिल्खा सिंह से उनके अंतर्राष्ट्रीय पदकों के बारे में सवाल किया जाता था, वह हमेशा कहते थे, यह सब दिखाने की चीजें नहीं है, जिन अनुभवों से मैं गुजरा हूँ उन्हें देखते हुए अब मुझे भारत रत्न भी दे दिया जाए तो मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं होगा। आज मिल्खा सिंह यानी फ्लाइंग सिख हमारे बीच नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से उन्हें कोविड हो गया था, जिससे जूझते हुए 19 जून 2021 को उनका निधन हो गया।